सीबीटी परीक्षा 2024 की तैयारी मैं अपने चैनल पर स्टार्ट कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर की इम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी ट्रेड में कॉमन रहती है, उसके जो मैं मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, दो सेट 25-25 के आ चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हों, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इसी वीडियो के, वो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को उसी वीडियो में मिल जाएगा। हम बात करेंगे आज सीबीटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही कॉमन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। गवर्नमेंट आईटीआई में मैं खुद पढ़ाता हूं, बहुत सारे बच्चे सीबीटी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आप लोगों के पास कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे ये मेरा आप लोगों को समझाने का काम है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आएंगे? देखिए, आप किसी भी ट्रेड के हों, परीक्षा में आप लोगों के 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इस हिसाब के आपके 150 नंबर की सीबीटी परीक्षा होगी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आएंगे? परीक्षा में कुल 75 प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और आप लोगों को टोटल 150 मार्क्स का आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परीक्षा कितने दिन व कितने घंटों की होगी? देखिए, परीक्षा आपकी एक ही दिन होने वाली है और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होने वाली है सिर्फ, उस 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे मतलब 2 आवर्स का समय मिलेगा आपको, और एक ही दिन आपकी सीबीटी परीक्षा होने वाली है। किसी भी मीटिंग में हो सकती है, 3 मीटिंग में परीक्षा होती है, वो आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होके 7 दिन पहले आ जाएगा किस डेट और किस टाइम पे आप लोगों की परीक्षा है, तो आप लोगों के इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये रखिए, 75 क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर कि परीक्षा में प्रश्न किस भाषा में आएंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत उठता है कि परीक्षा में प्रश्न जो है वो किस लैंग्वेज में या किस भाषा में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ इंग्लिश में रहते हैं और बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो इसका आंसर ये है कि परीक्षा जो है वो 2 भाषाओं में प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 भाषाओं में होता है, एक तो होता है इंग्लिश में जो पूरे भारत में सब में इंग्लिश में रहता है, दूसरी भाषा वो स्टेट के हिसाब से है, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी में पेपर आता है, पंजाब के बच्चों के लिए इंग्लिश और पंजाबी में आता है, अगर कोई तमिलनाडु का है तो इंग्लिश और तमिल में आता है, कोई गुजरात का है तो इंग्लिश और गुजराती में आता है, कोई बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है तो इंग्लिश और बंगला में आता है, तो ऐसे एक तो इंग्लिश भाषा रहती है उसमें और दूसरी आपके जो स्टेट है उस स्टेट के हिसाब से आपकी लोकल लैंग्वेज भी रहती है, तो 2 भाषा में आपको प्रश्न आते हैं। प्रश्न को समझने से संबंधित कोई भी आप लोगों को दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी, भाषा का कुछ भी वहाँ पर आपको इशू नहीं आएगा, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको इंग्लिश नहीं आती तो हमको दिक्कत होगी, आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी में भी वहां पेपर रहेगा, आपको बंगला आती है तो बंगला में रहेगा, तो ये सारी चीजें आपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर इंपॉर्टेंट चीज है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कंपटीशन एग्जाम सीबीटी देते होंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग वहां पर होती होगी, बट आईटीआई में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सभी 75 क्वेश्चंस का आप आंसर करके आइए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कोई भी माइनस मार्क नहीं होने वाला है, तो सारे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करके ज़रूर आइएगा। आई थिंक ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे, अपने दोस्तों में ये क्वेश्चंस ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करिए, उनको भी जानकारी दीजिए कि आईटीआई 360 डिग्रीज चैनल गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा चलाया जाता है, सारी पीडीएफ हिंदी में पढ़ाई जाती हैं, पीडीएफ भी आपको मिलती है, बहुत अच्छी से तैयारी हो रही है, किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लगता, सब कुछ फ्री है, चैनल को ज्यादा से मात्रा में सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कराइए, कमेंट अच्छे अच्छे करिए, ताकि आपके लिए मोटिवेट होकर मैं और अच्छे कंटेंट लेके आता रहूं, मेहनत करता रहूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।